हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और पेरेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कई पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा खाना सही से नहीं खा रहा है, या पहले तो वो अच्छा खा रहा था लेकिन अब उसने खाना छोड़ दिया है, या खाना खाने में बहुत जिद कर रहा है, कभी कभार खाता है, या भरपेट खाना नहीं खाता है। यानी खाने से संबंधित बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं उनके पास हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी यह समस्या हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी खाना सही से नहीं खा रहा है तो सबसे पहले उसका कारण जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमें कारण पता होगा तभी उसका इलाज कर सकेंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने ध्यान में रख के पता कराएं कि उसका क्या कारण है कि बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि बच्चा मेडिकली फिट है, भाव उसको किसी प्रकार का कोई जुकाम, बुखार या कोई अन्य समस्या तो नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को आप चेक कर लें, और दूसरा उसके पेट के ऊपर हाथ लगा के देखें कि उसका पेट ज्यादा सख्त तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है बच्चे के पेट में कोई दर्द हो और वो बता नहीं सकता है। छोटा बच्चा है, वो बताएगा नहीं, इसलिए उसके हाव भाव से आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद उसके कानों को छूकर देखना होगा कि उसके कान में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तभी वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में मध्य रखते हुए आपको ये पता करना चाहिए कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बच्चे में पाई जाती है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से उसको दिखाकर उसकी दवाई करें। अगर आपने ये ढूंढ लिया है कि उसको किसी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हमें दूसरी बातों के ऊपर ख्याल रखना होगा, जैसे कि देखना होगा कि बच्चा अपनी नींद पूरी ले रहा है कि नहीं। कई बार बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो पूरी तरह से सोने के ना कारण चिड़चिड़ा सा हो जाता है और वह खाना सही से नहीं खाता है। इसलिए बच्चे की नींद प्रॉपर हो इसके लिए आपको उसके लिए अच्छा सा बेड और उसका जो तकिया सही से रखना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल सो सके। अगली जो बात का आपने ख्याल रखना है वो यह है कि आप बच्चे को जबरदस्ती खाना तो नहीं खिला रही। देखिए, बच्चे ने जब खाना है उसको भूख लगी वो तभी खाएगा। अगर आपने खाना बना लिया है और आपका खाने का टाइम हो गया है तभी बच्चा खाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बच्चे को जब भूख लगे तभी उसको खाना खिलाए। और दूसरी बात, बच्चे की भूख कम होती है थोड़ा थोड़ा उसको बार बार खिलाते रहिए। एक बार में उसको अगर जबरदस्ती भरी कटोरी देंगे हो सकता है वो ना खाए और आगे खाना भी छोड़ दे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके बार बार खिलाइए, लेकिन एकदम उसके बच्चे के पेट में मत फूसिए। तो जबरदस्ती करके बच्चे को कब्ज़ खिलाइए, इससे बच्चा इरिटेट हो जाएगा और आपको बात कभी नहीं मानेगा। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि बच्चे को मीठी चीज कम से कम देनी है। मीठी चीज यानी मिठाई बच्चों को बहुत पसंद है। मीठी चीज में जैसे चॉकलेट, टॉफी या और कोई भी कैंडीज बच्चों को पसंद होती हैं। मान लीजिए आपने कोई भी अच्छा सा खाना उसके लिए बना के लाए हैं, बच्चा उसको खा के रिफ्यूज कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो आप सोचते हैं कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, चलो इसका फेवरेट कुछ इसको दूध बिस्कुट या कुछ और मीठा या कुछ चॉकलेट खिला दें। तो ऐसा ना करें, ऐसा करने से बच्चे के अंदर एक मेंटेलिटी आ जाएगी कि वह अपनी बात मनवाने लग जाएगा। दूसरी बात, मीठा चीज देने से उसके अंदर कैलोरीज एनर्जी तो आ जाएगी लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं होते हैं, इससे बच्चा आगे चलकर कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को जबरदस्ती कुछ भी ना खिलाएं और मीठा उसको बहुत कम दें। और दूसरी बात, बच्चे को उसके टाइम पर ही भोजन खिलाइए। उसको जब उसको भोजन खिलाना है तो उसका अच्छी तरह से टेबल लगे, अच्छी तरह से उसका जो कुर्सी है उसके ऊपर बिठा के खिलाइए, गोद में बिठा के मत खिलाइए, इससे बच्चा जल्द से ज्यादा पांच सात में बैठेगा और भाग जाएगा। और उसकी कोली, प्लेट और जो भी इसका खाने का सामान है वो अलग से रखें और उसको अट्रैक्टिव बनाएं, जिसको देख के बच्चे को भूख लगे और वो समझे कि उसका खाने का टाइम हो गया है। तो इस तरह से कुछ एक बातें हैं जिसको आप अपने जहन में रखेंगे तो बच्चे के खाने के ऊपर प्रॉपर ध्यान देंगे तो बच्चा आराम से खाएगा। और बच्चे को जब भी आप खाना खिलाएं उस समय टीवी या मोबाइल ना चलाएं, इससे आपका ध्यान बच्चे के ऊपर नहीं जाएगा और बच्चे का भी ध्यान उस तरफ लगा रहेगा जिसको उसको खाने के ऊपर पूरा ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए जब इसको खिलाना हो पूरी अटेंशन से खिलाइए। हो सकता है बच्चा 15 मिनट 20 मिनट से आधा घंटा ले ले,
लेकिन यही आधा घंटा आगे चलकर उसकी आदत बन जाएगा और अच्छी तरह से खाना खाने लग जाएगा। तो इन कुछ एक बातों का आप ख्याल रखें। और दूसरी बात, बच्चे को हमेशा पौष्टिक खाना दें। स्वादिष्ट खाने का बात नहीं कर रहा मैं, पौष्टिक खाने की बात कर रहा हूँ। पौष्टिक खाना दीजिए, स्वादिष्ट खाने से न्यूट्रिशन का कमी हो सकती है, इसलिए बच्चे के मनपसंद के अनुसार पौष्टिक खाना दीजिए। इस तरह से बच्चे का सेहत और ग्रोथ अच्छी रहेगी और उसको किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं रहेगी। तो यह कुछ एक जरूरी बातें थी जो बच्चे के खाने से संबंधित थी। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और इसको अपना के आप अपने बच्चे की केयर कर सकेंगे। और लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।